दोस्तों टेम्परेचर यानी तापमान सेल्सियस और स्थान में हाइट में मेजर किया जाता है। हमारे पास अगर सेल्सियस की वैल्यू तो हम उसे फारेनहाइट में, या फारेनहाइट की वैल्यू तो सेल्सियस में कैसे होगी, या कन्वर्जन कैसे किया जाएगा, इसके लिए हम एक्सेल यूज करते हैं। एक्सेल में कैसे ये बदला जाएगा, आइए इसे जानते हैं। स्क्रीन पे आप देखिए, आपके पास सेल्सियस की वैल्यू है 32, तो फारेनहाइट में ये कन्वर्ट होके आ गई। और अगर आप फारेनहाइट से सेल्सियस में बदलना चाहते हैं तो जहां सेल्सियस लिखा है, अगर आप इस सेल पे क्लिक करें तो इसके आगे एक छोटा सा एरो है, इस पे आप क्लिक करिए तो आपके पास दो ऑप्शन है, सेल्सियस और फारेनहाइट। आप फारेनहाइट सेलेक्ट करिए और 32 जो है फारेनहाइट में ही लिखा है। अगले सेल में जाकर के आप फारेनहाइट के बजाय सेल्सियस चूज करिए तो वो चेंज होके जीरो आता है। तो हमने जाना कि 32 फारेनहाइट इक्वल टू 0 सेल्सियस, यानी 32 फारेनहाइट 0 सेल्सियस होता है। और हम जानते हैं 98 जो फारेनहाइट है वो सेल्सियस में। आप फारेनहाइट से सेल्सियस और या सेल्सियस से फारेनहाइट जान सकते हैं। बस करना क्या होगा, इन लिस्ट बॉक्स में यहाँ पे आप चूज कर दीजिए और अगले में आप दूसरे लिस्ट बॉक्स में जो आपको चाहिए वो आप चूज कर लीजिए। एक्सेल की इस फाइल को आप अपने सिस्टम पे यूज कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर दीजिए और यूज कर लीजिए। इसमें यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यह फॉर्मूला आप डाउनलोड करके अपने आप अपने सिस्टम में यूज कर सकते हैं या अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं, इससे खुद समझ के आप इसे कर सकते हैं। आपको करना क्या है, यहाँ पे सेल्सियस की जगह आप खुद सेल्सियस या फारेनहाइट लिखिए और यहाँ में बस ये फॉर्मूला चल पड़ेगा। मैंने इसमें लिस्ट बॉक्स यूज किया, आप सीधे भी कर सकते हैं तो भी ये चलेगा। और फारेनहाइट से सेल्सियस में बदलने के लिए ये फॉर्मूला मैथमेटिकली यूज किया जाता है। इसी फॉर्मूले के आधार पे हमने इस प्रोग्राम को तैयार किया है। से आप कर सकते हैं अगर आप इस फॉर्मूले को समझ लें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन